please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मध्य प्रदेश के सागर में आईजी ऑफिस पहुंची रेप पीड़िता एक महिला पुलिस के रवैये से नाराज नजर आई। इस महिला का दावा है कि वो बीते 6 महीने से इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है, लेकिन आरोप है कि पुलिस में शिकायत के बाद भी अभी तक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इसी बात से नाराज रेप पीड़ित महिला ने आईजी ऑफिस में खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने उसे रोक लिया। आत्महत्या कर रहा था कि जब इंसाफ नहीं मिल रहा तो हमारी मौत का तमाशा देखो। पीड़ित का दावा है कि आरोपी के संबंध रसूखदार लोगों से है, इसलिए पुलिस कार्रवाई करने से कतरा रही है। रेप पीड़ित महिला का हंगामा आईजी ऑफिस में काफी देर तक चलता रहा, जिसकी खबर लगते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने किसी तरह समझा बुझाकर महिला को शांत कराया और भरोसा दिलाया गया कि जांच के बाद आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। आवेदन भी दिया हुआ है, क्या घटनाक्रम है पूरा पता करेंगे, उसके बाद ही पता करेंगे। खबर ये भी है कि पीड़ित महिला ने इंसाफ के लिए कोर्ट से भी गुहार लगाई थी। फिलहाल पुलिस ने देर से ही सही रेप पीड़ित की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में विश्व हिंदू परिषद की राम राज्य रथ यात्रा का रथ खड़ा नजर आया। 13 फरवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या से शुरू हुई इस यात्रा का समापन रामेश्वरम में होना था, लेकिन तमिलनाडु में इसे लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद तिरुनेलवेली शहर में 23 मार्च तक धारा 144 लगा दी गई। इस दौरान लोगों की भीड़ देखते हुए रथ की सुरक्षा में पुलिस कर्मी भी तैनात कर दिए गए। विश्व हिंदू परिषद की राम राज्य रथ यात्रा मंगलवार को जब तिरुनेलवेली पहुंची तो डीएम के नेता एमके स्टालिन ने तमिलनाडु सरकार से इस यात्रा को रुकवाने की मांग कर डाली। स्टालिन की दलील है कि रथ यात्रा से राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द और शांति व्यवस्था को खतरा है, लेकिन डीएमके की ये दलील बीजेपी को रास नहीं आई और पार्टी ने राम राज्य रथ यात्रा के विरोधियों को निशाने पर ले लिया, क्योंकि तमिलनाडु की सियासत में बीजेपी अपने पांव जमाना चाहती है। लिहाजा इसी सूबे से आने वाले पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने रथ यात्रा का विरोध जताने वालों पर जोरदार हमला किया। ये सब अंग्रेजों की नाजायज बच्चे हैं सब, और इसीलिए ये सब बोल रहे हैं कर रहे हैं। तो बीजेपी नेता विनय कटियार ने भी तमिलनाडु में रथ यात्रा को लेकर हुए विवाद पर सवाल उठाए। कहीं कोई समस्या नहीं आई, तमिलनाडु में क्यों समस्या आ रही है, ये तो केवल एक बहाना है उसको रोकने के लिए। हालांकि यात्रा का विरोध करने वाले कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने रथ यात्रा पर रोक नहीं लगाई। हरियाणा के करनाल में एक बेकाबू ट्रक एक कार को टक्कर मारने के बाद आगे बढ़ गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान वहाँ पहले से हो चुके एक हादसे को कवरेज करने के लिए कुछ मीडिया कर्मी मौजूद थे, जिनके कैमरे में यह हादसा रिकॉर्ड हुआ। ट्रक से टक्कर लगने के बाद कार सड़क के किनारे लग गई और ट्रक आगे निकल गया। चश्मदीदों ने दावा किया कि कुछ दूरी पर ट्रक को रोककर ट्रक ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे धर दबोचा और उसकी पिटाई शुरू कर दी। ट्रक ड्राइवर हाथ जोड़कर अपनी जान की गुहार लगाता रहा, लेकिन गुस्साए लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। आखिरकार कुछ लोगों की बीच बचाव के बाद ही लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पीटना बंद किया और फोन करके ट्रक के मालिक को मौके पर बुलाने की कोशिश की। ट्रक ड्राइवर ने दलील दी कि ओवरलोड होने की वजह से ट्रक के ब्रेक नहीं लगे, जिससे वो आगे वाली कार से टकरा गया, लेकिन लोगों ने दावा किया कि ड्राइवर के नींद में होने की वजह से ये हादसा हुआ। पीछे एक ट्रक आया, उससे ब्रेक नहीं लगी, नींद में था बोल रहा था और आते ही उसने ब्रेक मार दी। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि घटना वाली जगह पर पहले से ही जो हादसा हुआ था उस हादसे के शिकार गाड़ियों को 9 घंटे बाद भी वहाँ से नहीं हटाया गया, इस वजह से वहाँ लोगों की भीड़ जुट गई। ट्रैफिक पुलिस की और सरकार की घटना की खबर दिए जाने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुछ पुलिस वाले कपड़े से चेहरा छिपाए 3 लोगों को हथकड़ी में जकड़कर थाने ले जाते दिखाई दिए। आरोप है कि तांत्रिक के कहने पर 5 साल के बच्चे की बलि उसी के ताऊ ने दे दी और शव को खेत में छोड़कर चले गए। नरबली की ये वारदात 24 फरवरी की है, जिसकी जांच में जुटी पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि तांत्रिक के कहने पर 5 साल के बच्चे के ताऊ ने गड़ा खजाना पाने की चाहत में उसकी बलि दे दी। बच्चे का शव 14 मार्च को खेत में मिला और कपड़ों से उसकी पहचान हुई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल गंडासा और तंत्र मंत्र का सामान भी बरामद किया। तांत्रिक ने इसके हाथ पैर बंधवा दिए और फिर उसके गर्दन पे वार करके जो ब्लड निकला वो उस बच्चे के ताऊ को, जिसको फायदा पहुंचाना था, उससे उसका तिलक किया। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी ताऊ ने अपना गुनाह कबूल किया। कन्हैया था, मेरे भाई का लड़का था, इसने मेरी बुद्धि खराब कर दी। नरबली के इस खुलासे से इलाके में दहशत फैल गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि बच्चे के ताऊ ने ही उसकी हत्या कर दी।
बिहार के बेतिया में पुलिस के कुछ जवान हाथों में डंडे लिए लोगों की भीड़ को समझाने की कोशिश करने लगे। जिस इलाके में लोगों की भीड़ जुटी थी वहां अवैध कब्जों को हटाने के लिए पुलिस के साथ साथ प्रशासन की टीम भी पहुंची थी, लेकिन इलाके के कई लोग प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ हाथों में डंडे लेकर पुलिस के सामने डट गए। कुछ देर की मशक्कत के बाद पुलिस ने उन लोगों को वहां से हटा दिया और इलाके में हुए अवैध कब्जे को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए लोग फिर से जुटे और इस बार उन्होंने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। लोगों के गुस्से को देख पुलिस ने भी मौके से भागने में ही भलाई समझी और कुछ ही देर में पुलिस और प्रशासन के सभी लोग वहां से गायब हो गए। कुछ देर बाद भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन दोबारा वहां पहुंचा और फिर से अवैध कब्जे को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि इस बार अवैध कब्जे को गिराए जाने से रोकने के लिए लोग पुलिस के सामने नहीं पहुंचे, लेकिन कुछ लोगों ने प्रशासन का पुतला जलाकर विरोध जरूर दर्ज कराया। प्रशासन की कार्रवाई से गुस्साए कुछ लोगों ने ये आरोप भी लगाया कि अवैध कब्जे को गिराने से रोकने के दौरान पुलिस ने कुछ महिलाओं के साथ मारपीट की। वही मौके पर मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी ने लोगों को नसीहत दी कि हंगामा करने की बजाय वो अपनी मांगों को लेकर डीएम दफ्तर पर गुहार लगाएं। प्रशासन ने दावा किया कि इलाके के एक हाई स्कूल की जमीन पर कई साल से कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया था और कोर्ट के आदेश के बाद ही वो उसे हटाने पहुंचे थे। पंजाब के होशियारपुर में रोती बिलखती एक बुजुर्ग महिला को आस पड़ोस की महिलाएं ढाढ़स बताती दिखी। इस परिवार का एक सदस्य इराक के मोसुल में लापता हुए उन 39 भारतीयों में शामिल था जिनकी मौत की पुष्टि राज्यसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुद की, जिसके बाद इन परिवारों में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई और उनके घरों में मातम पसर गया। होशियारपुर में 4 साल से जवान बेटे कमलजीत की वापसी की आस लगाए हुई उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। कमलजीत के घर से रोने की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली महिलाएं वहां जुटी और बूढ़ी माँ का हौसला बढ़ाने लगी। इस दौरान कमलजीत की माँ संतोष कुमारी ने आरोप लगाया कि इस घटना के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनको मिलने का वक्त नहीं दिया। कमलजीत के परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 4 साल से उनकी कोई सुध नहीं ली। 2014 में कमलजीत भी भारत से मोसुल में मजदूरी के लिए गए उन भारतीयों में शामिल था जो अचानक लापता हो गए। इस घटना के बाद आशंका जताई गई थी कि आतंकी संगठन ISIS ने 39 भारतीयों को अगवा कर उनकी हत्या कर दी, लेकिन इस खबर की पुष्टि होने में करीब 4 साल लग गए। आतंकी संगठन ISIS के शिकार बने मनजिंदर सिंह के परिवार में भी हड़कंप मच गया। मनजिंदर की मां समेत परिवार की दूसरी महिलाएं रोने बिलखने लगी। मनजिंदर की बड़ी बहन ने आरोप लगाया कि इस मामले में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने अब तक उनसे संपर्क नहीं साधा। इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन वो पूरी दुनिया को बता रहे हैं और परिवार वालों को पता भी नहीं है। मनजिंदर के परिवार ने दावा किया कि नवंबर 2017 में DNA सैंपल लेने के बाद सरकार ने उनसे कोई बात नहीं की। हालांकि पिछले साल विदेश राज्य मंत्री VK सिंह 39 भारतीयों की तलाश में मोसुल गए थे। जून 2014 में जिन 39 भारतीयों को आतंकी संगठन ने अगवा किया था उनमें 31 लोग पंजाब के रहने वाले थे, जिनमें जालंधर के रहने वाले सुरजीत भी थे। टीवी पर सुरजीत की मौत की पुष्टि होते ही उनका परिवार भी गम में डूब गया। आर्थिक तंगी से जूझ रहे सुरजीत के परिवार की मांग है कि सरकार की तरफ से मिल रही आर्थिक मदद बरकरार रहे। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਖੁਰ ਖੋਲਿਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਾਲੰਧਰ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਿੰਦਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਵਿੰਦਰ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਅਭੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੇਵਿੰਦਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਕ ਮੇ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਓ ਕੋ ਵਾਪਸ ਲਾਣੇ ਕਾ ਵਾਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਕਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਦਿਆ। ਇਰਾਕ ਕੇ ਮੋਸੁਲ ਮੇ ਆਪਣੋ ਕੋ ਗਵਾਨੇ ਕਾ ਗਮ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, बल्कि ISIS के आतंकियों ने हिमाचल प्रदेश के रहने वाले 4 लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया, जिनमें धर्मशाला के रहने वाले अमन पासू भी शामिल थे। भारत सरकार के बयान के बाद अमन का पूरा परिवार सदमे में है। हालांकि अमन की मां को आज भी अपने लाल के लौटने की आस है, लेकिन अमन का परिवार कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। खबर है कि केजरीवाल के खिलाफ जेटली मानहानि का केस वापस नहीं लेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मानहानि मामले में CM केजरीवाल के माफी मांगने के बाद भी वित्त मंत्री अरुण जेटली केस वापस लेने को तैयार नहीं है। बिहार के भागलपुर में 2 गुटों के बीच झड़प के मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर RJD ने बिहार विधानसभा के बाहर हंगामा किया। बिहार के बेगूसराय में एक महिला का शव मिलने के मामले में लोगों ने प्रदर्शन किया।
यूपी के इलाहाबाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर उपेक्षित बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाम से कई आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की होर्डिंग लगाई गई। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन में 5 लोगों की मौत के मुद्दे पर सरकार पर हमला करते हुए पूछा कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बिप्लब देव दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिले और उनके पैर छूकर आशीर्वाद दिया। कई दिनों से बीमार चल रहे वीके शशिकला के पति नटराजन मरुथप्पा का 76 साल की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में समाज सुधारक पेरियार की मूर्ति तोड़ने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। बिहार के वैशाली में नेशनल हाईवे 77 पर हुए एक हादसे में एक आदमी की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर हंगामा किया। राजस्थान के जयपुर में 3 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में खड़े नजर आए। पुलिस ने दावा किया कि तीनों बदमाश गाड़ियों की चोरी करने वाले गिरोह से जुड़े हुए थे, जिसका भंडाफोड़ कर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आए बदमाशों से पुलिस को चोरी की कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि गाड़ियों को चुराने के बाद उनके सारे पुर्जे खोल दिए जाते थे और फिर अलग अलग पुर्जों को बेचा जाता था। इस गैंग का मुख्य जो व्यक्ति है वो है असलम बग्गा, जिसे हमने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये दावा भी किया कि केवल जयपुर के पास के इलाकों में ही ये गिरोह 1.5 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों की चोरी कर चुका था, जिनमें ज्यादातर पुलिस ने बरामद कर ली है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को मार गिराया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस ने मुठभेड़ में वाराणसी के रहने वाले एक 25,000 के नामी बदमाश बीरेन बेनवंशी को मार गिराया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बच्ची की गला रेतकर हत्या करने के आरोपी की नाराज भीड़ ने जमकर पिटाई की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक लड़की पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी नानी की हत्या करने और शव को घर के पीछे दफनाने का आरोप लगा। राजस्थान के अजमेर में एक आदमी पर संपत्ति के विवाद में अपनी मां और भाई पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक लड़के पर एक तरफा प्यार में लड़की की चाकू मारकर हत्या का आरोप लगा। मध्य प्रदेश के सागर में आरोपी पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाकर एक रेप पीड़िता ने आईजी के दफ्तर में केरोसिन डालकर खुदकुशी की कोशिश की। बिहार के बेतिया में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एक जेसीबी चालक घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। मध्य प्रदेश के सीधी में पुलिस ने धारा 151 के तहत गिरफ्तार किए गए 46 बदमाशों को सरेआम सड़कों पर घुमाया, उनसे उठक बैठक करवाई और उनमें से कई की डंडों से पिटाई भी की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कुछ लोग एक लड़के के कपड़े उतारकर उसे बाजार में घुमाते नजर आए। इस लड़के पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए लड़के के घर वालों ने उसे बुरी तरह से पीटा और फिर उसे बिना कपड़ों के सरे बाजार घुमाया। आरोप है कि इस दौरान लड़के के घर वालों ने आरोपी लड़के के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिससे आरोपी घायल हो गया और फिर लड़के के घर वाले उसे अस्पताल लेकर गए, जहां आरोपी लड़के के घर वाले भी पहुंच गए और फिर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस बात की भनक लगते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और आरोपी लड़के को हिरासत में लेकर थाने ले गई। जानकारी मिली है कि आरपुरी में कोई स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट है, वहाँ पर कोई लड़का लड़की बैठे हुए थे। लड़की के परिजन वहाँ पहुँच गए। उसके परिजन जो लड़का जिस लड़की के साथ बैठा था उसे पकड़कर जिला अस्पताल ले गए, जहाँ पर लड़के पक्ष के लोग भी पहुँच गए इमरजेंसी में। और लड़के लड़की के बीच में मारपीट कहन सुनन टाइप का झगड़ा बन गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के हत्थे 3 शातिर चोर चढ़े। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सेना के बड़े अधिकारियों के घरों में चोरी करने के आरोप में सेना के एक निलंबित कर्मचारी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक टीचर पर 7वीं कक्षा के एक छात्र को बुरी तरह से पीटने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में कर्ज से परेशान आलू की खेती करने वाले किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।